दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक सवाल आपकी परीक्षा में जरूर आने वाली है। क्लास 10th वाले स्टूडेंट ये वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको 4 अंक के अच्छा अंक मिलने के लिए कोई दिक्कत ना हो। आप पा जाएंगे, मतलब आप समझ रहे हो कि मैं सवाल कौन सा बताने वाला हूँ। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लगा दूंगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, बोर्ड पर लिखते नहीं भी नहीं का, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पर लगा दूंगा और मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। सवाल आपके सामने कुछ इस तरीके से है। दो मित्र हैं, अनी और बीजू, ठीक है? दो मित्र हैं अनी और बीजू, और उनकी जो आयु का अंतर जो है 3 वर्ष का है। उनकी आयु में जो अंतर है कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। मतलब दोनों के बीच की जो गैपिंग है 3 वर्ष की आयु का गैपिंग है। अनी के पिता धर्म की जो आयु, अनी के पिता है एक धर्म, उनकी आयु जो है अनी की आयु की दोगुनी है, ठीक है? अनी की आयु की दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन की कैथी की आयु की दोगुनी है। तो कैथी की आयु और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। दोनों के बीच का अंतर जो है 30 वर्ष है। तो इस तरीके से बताना है अनी और बीजी की आयु। बताइए, इतने प्रश्न को घुमाया फिराया गया है, इतने प्रश्न को घुमाया फिराया गया है, शायद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हैंग कर रहा होगा। देख लीजिएगा। अगर हम देखते हैं क्वेश्चन में, तो बोला क्या जा रहा है कि सबसे पहले इसमें जो पूछा जाता है, इस तरीके क्वेश्चन में जो भी पूछा जाता है हम उसको तो पहले मानना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं। जैसे बोलते हैं कि इस बोरी में कितने चावल हैं, कितने किलो चावल है, तो आप बोलेंगे 30 किलो होगा करीब। तो आपने माना ना 30 किलो, ना कि 30 किलो है, 35 भी हो सकता है, 30 के अंदर भी हो सकता है। तो जब कोई चीज पूछा जाता है, इसको आप जब तक मापेंगे नहीं तब तक तो क्लियर होगा नहीं, इसलिए उसको मान के चलते हैं। सेम इसी तरीके से इसमें हम क्या करते हैं, अनी और बीजी की आयु क्रमशः एक्स और वाई मान लेते हैं। अनी, यहां नहीं लिखते हैं, अनी और बीजी की आयु क्रमशः यक्ष तथा वाई है। यक्ष था वाई है, यक्ष वर्ष वाई वर्ष है, वर्ष नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनी और बीजी की आयु हमने मान लिया कि ये यक्ष वर्ष के हैं, वो वाई वर्ष के, मैंने फिक्स कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन बोले जा रहे हैं कि जो कि मतलब जो अनी के जो पिता की है जो ना, मतलब धर्म कि आयु अनी की आयु की दुगनी है, उनके पिता की जो आयु उनकी कितनी है, उनकी की दुगनी है। लेकिन यहाँ पर एक बात और बोला जा रहा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है, ये बात है, ठीक है? अब इन दोनों का अंतर भी दिया जा रहा है, तो दोनों की आयु का अंतर यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों की आयु का अंतर, दोनों की आयु का अंतर कितना है? 3 वर्ष है। कितना है? 3 वर्ष। आप ये समझ रहे हैं कि इनका वाय आयु यक्ष वर्ष, उनका आयु वाई वर्ष, तो दोनों को अंतर कितना है? 3 वर्ष। तो दिमाग लगाइए, प्रश्नानुसार अगर हम बात को समझते हैं तो प्रश्नानुसार हमारा यही तो निकलेगा, यक्ष और वाई का फर्क कितना आ रहा है ये, तो जो कि समीकरण एक तैयार हो जाएगा, ठीक है? बात समझ रहे हैं ना? दोनों का अंतर 3 वर्ष है, मतलब आपको बोलूं मैं आपकी 10 वर्ष है, इनका 4 वर्ष है, तो दोनों की आयु का अंतर कितना होगा? घटाने पर, तो अंतर का मतलब घटाना होता है ना, तो एक्स और वाई की जो गैपिंग है वो कितने की है? 3। मतलब इनकी कुछ वर्ष है, इनका कुछ वर्ष है, परंतु 3 साल का फर्क है। तो ये हो गया पहला समीकरण। अब हम और समीकरण के, अनी के पिता धर्म की आयु बोलते हैं, किसकी? अनी के पिता धर्म की आयु, अनी के पिता धर्म की आयु, किसकी आयु? धर्म की आयु, धर्म की आयु, धर्म की आयु कितनी है? देखिए उसमें क्वेश्चन में बोला जाए धर्म की आयु जो है अनी के आयु की दोगुनी है, अनी की आयु की दोगुनी है, मतलब अनी की आयु तो 1 वर्ष है, इसकी दोगुनी 2x हो जाएगा, इसकी दोगुनी कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये तो हो गए उनके पिता की धर्म की आयु। अच्छा, और उसी तरीके से कैथी की आयु मतलब भी बोली गई है, अनी के पिता तो मत सॉरी कैथी की, हाँ कैथी बीजू की, किसके हैं? बीजू की बहन है, बीजू की बहन जो है हमारे बीजू की बहन, बीजू की बहन, बीजू की बहन की आयु, बीजू की बहन की आयु, बीजू की बहन की आयु देखते हैं तो वाई वर्ष थी, और जो उनके बीजू की आयु की वो तिगुनी थी, 3 गुनी थी नहीं थी, कितनी थी? दोनों की तो कैथी की धर्म की आयु का अंतर, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है, ठीक है? ओ तो इसका मतलब 2 गुनी है किसकी आयु? अपनी आयु
जो बोल रहा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है, कैथी की आयु की दोगुनी है, तो कैथी की आयु, आप दिमाग लगाइए, ये बोल रहे हैं कैथी की आयु जो है वो बीजू की आयु की, किसकी, बीजू की आयु की दोगुनी है, किसकी है, दोगुनी है। तो बीजू कहने के लिए दो कहाँ चला जाएगा, बटा में, मतलब कैथी के बटा चला जाएगा, तो कैथी के क्या हो जाएगा, बटा चला जाएगा। यानी कैथी की आयु अगर हम निकालें, बीजी की बहन की आयु कैथी की आयु निकालें, तो हमारा बीजी की आयु कैथी की आयु दोगुनी, सॉरी दोगुनी यहाँ पर है, दोगुनी यहाँ पर, ये बात बोल रही, बोल रहा है कि बीजू की आयु जो है कैथी की दोगुनी है, तो कैथी की कितनी हो जाएगी, बीजू की बटा दो हो जाएगी, बीजू की ये है 30 की बटा 2 हो जाएगी, इतना वर्ष ये हो जाएगा इनका, इतना वर्ष इनका हो जाएगा, इतना वर्ष, अब भी हमारा जाके कंफर्म ही निकला, बात समझ रहे ना। बात तो यही बोल रहा था कि बीजी की जो आयु थी वो कैथी अगर दोगुनी थी, मतलब इस दो को हम यहाँ से हटाएंगे तो ये दो कहाँ चला जाएगा, बटा भी, तो कैथी की आयु बीजू बटा दो, मतलब बीजू की आयु आई थी वाई बटा दो, ये हो जाता है, इस तरीके से हमारा यहाँ निकल जाता है। अब प्रश्नानुसार हम चर्चा करते हैं, जो प्रश्नानुसार शर्त क्या कह रही है, प्रश्नानुसार यहाँ पर भी बात हुई थी, यहाँ पर भी प्रश्नानुसार शर्त के अनुसार बात हुई थी, प्रश्नानुसार यहाँ पर भी बात हो रही है। तो प्रश्नानुसार बात बोली जा रही है कि आपका दोनों की कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, दोनों की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है, इनका ये है इनका ये है, दोनों की आयु लिखते हैं यहाँ पर, 2x - OI/2 बराबर 30 वर्ष, ये हो गया ना, इतना हमारा हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, इसको 2 × 4, यहाँ पर 2 × 4x - Y, ये 4x - Y/2 और बटा 30, इस 30 को यहाँ पर ले जाएंगे 2 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, इस तरीके से हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, बस समझ में आया, ये 60, ये हो गया समीकरण 2। अब हमें क्या काम करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है, चाहे जिस विधि से हल करिए, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, चाहे विलोपन विधि से हल करिए, जैसे भी हल करना चाहे आप हल कर सकते हैं, इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर या घटाने पर, घटाने पर, तो हमारा देखिए 4x - Y/60 ये है, और यहाँ पर है x - Y/3 ये है, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो इस तरीके से घट के हमारा आ जाएगा 3x, और ये 60 में 3 जाएगा, ये 57 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27, 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19, x = 19। अब x का मान यहाँ पर लिखेंगे, x का मान समीकरण समीकरण किस में रखने पर, समीकरण जो हमारा बना था इसके पहले, चाहे जिसमें रख दें, दो में से किसी में भी रख दें, समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 हमारा जो था उसमें रख दीजिए, हमारा था समीकरण 1 जी वाला था, यहाँ पर रख देते हैं, x हमारा मान निकला है कितना 19 - Y/3, तो y यहाँ छोड़ देते हैं, 3 - 19, तो हमारा कितना हो जाएगा वो -Y/-16, तो y से माइनस से माइनस कट गया, तो हमारा आ गया Y/16। अतः अब लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः अनि की आयु 19 वर्ष और बीजू की आयु 16 वर्ष, बस यही हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है, पकड़ बनाना है, अगर आप लगाएंगे एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आ जाएगा, 4 अंकों में आपको पूछा जाने वाला है, जरूर एक बार ट्राई करिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। इसमें कि एक सवाल और है, उसको हम और लगा देंगे, बट वो एक अलग वीडियो होगा, क्योंकि एक वीडियो में आपको एक ही सवाल बताएं, ताकि आपको छोटा वीडियो रहे और समझ में भी आ जाए, दूसरा सवाल जो रहेगा उसको पाने के लिए, जो भी बड़े बड़े सवाल हैं आपके एग्जाम जो आ रहा है उससे पहले लगा दें, 6 7 सवाल लगाएंगे, 5 6 सवाल वैसे लगाए हुए हैं, माध्यिका का, समांतर माध्य का, बहुलक का मैंने लगा चुका हूँ, ऊंचाई दूरी का, मतलब आपका मीनार वाले सवाल लगा चुका हूँ, इसके पहले जो आपका द्विघात समीकरण का जो था, 2 क्रमागत संख्या, उसको भी लगा दिए, यहाँ पर आपका अजीय लगा दिए, इसमें भी एक सवाल और लगा देंगे, तो आपका बचता है किसमें का, त्रिकोणमिति का जो सिद्ध करने वाला सवाल है एक, उसमें का लगाना बच जाएगा, और बाकी आपका बचता है त्रिभुज का, बाकी शायद आपका जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो आपका आयतन संबंधी में से आएगा, उसको लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा।
ओके, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। जरूर आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अगले क्लास में हम आपके जरूर काम आएंगे। तब तक आप अगर सपोर्ट रहेगा तो अच्छे तरीके से हम कुछ अगला जो कोर्स हम मतलब चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।